हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस आर गेन्ड बाय रबिंग ऑब्जेक्ट। तो बच्चों देखिए, दो टाइप के ही चार्जेस होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज और एक होते हैं नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब बच्चों क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पर डिफिशियंसी है इलेक्ट्रॉन की, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक यानी एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखो, कोई अगर न्यूट्रल ऑफ एटम है, अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, बाहर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, डिफिशियंसी आ गई, यानी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कोई एक एटम है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है यानी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा बच्चों। तो रबिंग से या फिर कोई सी भी मेथड से अगर चार्ज गेन हो रहा है तो वो दो ही टाइप का चार्ज गेन हो सकता है, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्योंकि चार्ज ही दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।